ये कहानी है एक राजा की जो खुद स्टैंप कलेक्ट किया करता था, लेकिन जब ये ब्रिटिश एम्पायर का किंग बना, एम्परर बना, तो इस पर बने सबसे पहले कॉइन्स में एक ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से उस कॉइन को आज दुनिया भर में कलेक्ट किया जाता है। वेलकम टू इंडियन कॉइन टेल्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉर्ज फिफ्थ के वन क्वार्टर आना कॉइन्स के बारे में। क्या है उस कॉइन के पीछे की कहानी, क्या है इस वन क्वार्टर आना की आज कीमत, ये कॉइन अगर आपको मिल जाए तो आप उसे पहचानेंगे कैसे, सब पता चलेगा इंडियन कॉइन टेल्स पर। जॉर्ज फिफ्थ वन क्वार्टर आना, जो बनाए गए थे 1911 से 1936 तक, करोड़ों की संख्या में बनाए गए ये कॉइन्स आज आसानी से बहुत से लोगों के पास देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इन्हीं कॉइन्स में से कुछ कॉइन्स हैं बड़े रेयर और कीमती। लेकिन उन कीमती कॉइन्स के बारे में जानने से पहले इस कॉइन का बेसिक नॉलेज होना भी जरूरी है, ताकि आप फेक कॉइन्स को कीमती ना समझ बैठें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस कॉइन के फिजिकल फीचर्स को। इस कॉइन के ओवर साइड पर आपको दिखाई देगा किंग जॉर्ज फिफ्थ का पोर्ट्रेट लेफ्ट फेसिंग यानी बाई तरफ देखते हुए, और यहाँ लिखा है लेजेंड जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर। वहीं इसी कॉइन के रिवर्स साइड पर फ्लोरल डिजाइन के बीच बने सर्कल में लिखी है कॉइन की वैल्यू वन क्वार्टर आना, और उसके नीचे इंडिया, और उसके नीचे कॉइन का मिंटिंग ईयर। साथ ही कॉपर मेटल से बने इन कॉइन का स्टैंडर्ड वेट होता है 4.85 ग्राम्स और साइज है 25.30 mm से लेकर 25.50 mm। ये कॉइन्स कलकत्ता और बॉम्बे दो अलग अलग मिंट से बनाए गए थे। यहाँ मिंट का जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉइन कलकत्ता मिंट में बना है या बॉम्बे मिंट में, यही बात इनकी कीमत को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। इसलिए बड़ा सिंपल है, याद रखिएगा कि अगर वन क्वार्टर आना बॉम्बे मिंट में बना है तो इसके यहाँ ईयर के नीचे सेंटर में आपको दिखाई देगा डॉट का निशान, और अगर यहाँ कोई भी मार्क या निशान दिखाई नहीं देता है तो ये कॉइन बना है कलकत्ता मिंट से। है ना सिंपल, ईयर के नीचे डॉट है तो बॉम्बे मिंट, नहीं है तो कलकत्ता मिंट। आइए अब देखते हैं इन कॉइन्स की कीमत ईयर वाइज। और ये रहा किंग जॉर्ज फिफ्थ का पहला वन क्वार्टर आना जो मिंट हुआ था 1911 में। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि किंग जॉर्ज का पहला कॉइन ही बन गया था कॉन्ट्रोवर्शियल, और इसीलिए इसे दुनिया भर में कलेक्ट किया जाता है। लेकिन क्या थी वो कॉन्ट्रोवर्सी? दरअसल इस कॉइन का डिजाइन तैयार करते वक्त कॉइन के यहां बनाया जाना था हाथी, लेकिन डिजाइन का जजमेंट हो गया गलत, क्योंकि एलिफेंट का ऊपरी हिस्सा तो सही बना लेकिन उसके पैर और सूंड छोटे रह गए और हाथी दिखाई देने लगा पिक। ये गलती समझ आती उससे पहले कॉइन बाजार में पहुंच चुके थे। फिर क्या था, इन कॉइन्स को इंडियन मुस्लिम्स के विरोध का सामना करना पड़ा और इसका असर बाजार पर दिखाई देने लगा। बात और बिगड़ती इससे पहले ये कॉइन्स वापस ले लिए गए और खजाने के ज्यादातर कॉइन्स को भी पिघला दिया गया, और जल्दी ही बाजार में उतार दिए गए नए कॉइन्स जिन पर लंबे पैर और लंबी सूंड के साथ हाथी साफ साफ दिखाई दे रहा था। ज्यादातर कॉइन्स को गला देने की वजह से 1911 का ये पिग वैरायटी कॉइन रेयर हो गया, जिसे सिर्फ कलकत्ता मिंट से बनाया गया था। और आज अगर इसकी करंट मार्केट वैल्यू को देखा जाए तो यूएनसी कंडीशन में इस एक कॉइन की कीमत है 6,000 रुपए तक। वहीं एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस कॉइन की कीमत होगी 1,500 रुपए तक, और फाइन टू वेरी फाइन कंडीशन में ये कॉइन आपको दिला सकता है 200 रुपए से 600 रुपए तक। इसी सीरीज का अगला कीमती कॉइन है 1912 का कलकत्ता मिंट कॉइन, और अगर ये कॉइन आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो इस एक कॉइन के आपको मिल सकते हैं 500 रुपए तक। लेकिन अगर ये कॉइन आपके पास यूएनसी कंडीशन में नहीं है तो कीमत होगी ज्यादा से ज्यादा 80 रुपए तक। आइए अब देखते हैं किंग जॉर्ज वन क्वार्टर आना का अगला कीमती सिक्का,
और ये है 1913 का कलकत्ता मिंट कॉइन। अगर 1913 का ये कलकत्ता मिंट कॉइन आपके पास है तो इस एक यूएनसी कॉइन की कीमत आपको मिल सकती है 1000 रुपए तक। लेकिन अगर कंडीशन यूएनसी नहीं है तो कीमत होगी सिर्फ 80 रुपए तक। और इससे पता चलता है कि क्यों कॉइन की यूएनसी कंडीशन को इतना महत्व दिया जाता है। इसी सीरीज का अगला कीमती कॉइन है 1914 का कलकत्ता मिंट कॉइन। अगर ये कॉइन आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो इस एक कॉइन के आपको मिल सकते हैं 1000 रुपए तक। लेकिन अगर ये कॉइन आपके पास यूएनसी नहीं एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है तो इसकी कीमत होगी 200 रुपए तक। लेकिन अगर कंडीशन एक्स्ट्रा फाइन भी नहीं है तो कीमत होगी ज्यादा से ज्यादा 80 रुपए तक। और आइए अब देखते हैं किंग जॉर्ज 5th कॉइन सीरीज का सबसे रेयर और कीमती कॉइन, जो है 1916 का 1/4 आना। अगर 1916 का ये कॉइन आपके पास कलकत्ता मिंट और यूएनसी कंडीशन में है तो ये कॉइन आपको दिला सकता है 15,000 रुपए तक। जी हाँ, अप टू 15,000 रुपीज। और अगर ये कॉइन आपके पास एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है तो इस एक कॉइन की कीमत होगी 2,500 रुपए तक। वहीं वेरी फाइन कंडीशन में भी ये कॉइन आपको दिला सकता है 1,000 रुपए तक। और सिर्फ फाइन कंडीशन होने पर भी इस कॉइन के आपको मिल सकते हैं 500 रुपए तक। इस 1/4 आना सीरीज के अगले कीमती कॉइन की बात करें तो वो है 1924 का बॉम्बे मिंट कॉइन। और अगर ये कॉइन आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो इस एक कॉइन के आपको मिल सकते हैं 1,000 रुपए तक। और अगर कंडीशन यूएनसी नहीं एक्स्ट्रा फाइन है तो कीमत होगी 200 रुपए तक। लेकिन कंडीशन अगर सिर्फ फाइन टू वेरी फाइन है तो इस एक कॉइन के आपको मिल सकते हैं 50 रुपए से 100 रुपए तक। और अब ये रहा 1/4 आना का अगला कीमती सिक्का, जिसका ईयर है 1925 और मिंट है बॉम्बे मिंट। अगर ये कॉइन आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो इस एक कॉइन के आपको मिल सकते हैं 500 रुपए तक। और अगर कंडीशन यूएनसी नहीं है तो कीमत होगी 60 रुपए से भी कम। और इसी सीरीज का अगला कीमती 1/4 आना है 1931 का 1/4 आना। अगर 1931 का ये कॉइन आपके पास कलकत्ता मिंट और यूएनसी कंडीशन में है तो इस एक कॉइन के आपको मिल सकते हैं 2,500 रुपए तक। लेकिन अगर कॉइन की कंडीशन है एक्स्ट्रा फाइन तो कीमत होगी सिर्फ 200 रुपए तक। और अगर कंडीशन फाइन टू वेरी फाइन है तो कीमत है और भी कम, सिर्फ 70 रुपए तक। दोस्तों, अभी तक इस वीडियो में मैं आपको जॉर्ज 5th के 1/4 आना के 8 कीमती कॉइन्स की डिटेल्स बता चुका हूं। लेकिन वो लोग जो इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं उनके लिए है 2 और स्पेशल कॉइन्स की डिटेल। पहला है 1926 का कलकत्ता मिंट का कॉइन और दूसरा है 1927 का कलकत्ता मिंट का कॉइन। अगर ये कॉइन आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो इसके आपको मिल सकते हैं 400 रुपए तक। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में होने पर इस कॉइन के आपको मिल सकते हैं 100 रुपए तक। और फाइन टू वेरी फाइन कंडीशन में इन कॉइन्स की कीमत होगी 50 रुपए तक। दोस्तों, इसके अलावा मैं चाहूंगा कि आप हमारे आई बटन में जाकर या हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगी जॉर्ज 5th के उस सिल्वर कॉइन की डिटेल जिसकी कीमत आज लाखों रुपए में है। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकन प्रेस करते जाइए ताकि हम सुनाते रहें और आप सुनते रहें इंडियन कॉइन टेल्स। और हाँ, इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना मत भूलिएगा।